कभी-कभी आपके साथ भी होता होगा कि आपके एक्सेल में आप एक सेल से दूसरी सेल पे जाना चाहते हैं, बट आपके एरो कीज काम नहीं करते। अप एंड डाउन जाना चाहते हैं तो दे डोंट वर्क। ऐसा होता क्यों है? अगर हम माउस से जाते हैं तो इट वर्क्स फाइन, बट अगर हम कीबोर्ड से जाना चाहते हैं अपने एरोज की से, तो ये काम नहीं करता। हम सेलेक्ट करना चाहते हैं डेटा, बट सेलेक्ट नहीं होता। तो आज हम इसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। तो आज हम इसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम, ये क्या प्रॉब्लम है और इसे कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं। सो वेलकम बैक इन माई पेज मेक इजी एक्सीलेंस। तो आज हम बात करेंगे स्क्रॉल लॉक की। स्क्रॉल लॉक, जब भी हमारे सिस्टम में स्क्रॉल लॉक हो जाता है तो नीचे शो करता है, इट विल शो स्क्रॉल लॉक। ओके, स्क्रॉल लॉक बेसिकली करता क्या है? स्क्रॉल लॉक होने के बाद अगर मैं कोई भी डेटा सिलेक्शन करता हूं तो आई एम नॉट एबल टू डू बाय कीबोर्ड। ओके, इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट में जाएंगे, लिखेंगे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, क्लिक करेंगे, हमारे पास हमारा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ जाएगा। यहाँ स्क्रॉल लॉक ऑन होगा, इसे ऑफ कर देंगे। ओके एंड क्लोज। दूसरा तरीका क्या है इसे चेक करने का कि हमारा स्क्रॉल लॉक है या नहीं है? हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे एंड हियर वी विल गेट स्क्रॉल लॉक ऑफ। होप यू पीपल अंडरस्टैंड हाउ टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।